इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न के पेन टूल को यूज़ करते हुए हम लोग मज़ीद पॉइंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अपने एंकर पॉइंट्स को मूव करते हुए एक स्टार टूल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एट तो फ़ाइल हमारे सामने ओपन है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ एक स्केयर को ड्रॉ करते हैं ठीक है जी और इस स्केयर की मदद से देखते हैं कि हम एक स्टार टूल एक स्टार शेप कैसे बना सकते हैं तो स्केयर हमारे सामने है। इसके बाद हम इसमें मज़ीद एंकर पॉइंट्स ऐड करते हैं अभी तक इसमें जो पॉइंट्स हैं दे आर फोर पॉइंट्स तो मैं पेन टूल पे क्लिक एंड होल्ड करूँ और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल है एड एंकर पॉइंट टूल तो मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से हम कुछ एंकर पॉइंट्स मज़ीद ऐड करते हैं ठीक है तो हमें सिर्फ एक बिल्कुल टॉप पे एंकर पॉइंट चाहिए इसी लाइन के ऊपर तो ये देखें आपको एक प्लस का सिंबल नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ इसके बाद हमें बिल्कुल राइट साइड एंकर पॉइंट चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं बिल्कुल एक बॉटम पे चाहिए एक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चाहिए और यहाँ पे हमें दो मज़ीद एंकर पॉइंट्स चाहिए ठीक है तो इसका इक्वल डिस्टेंस रखने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट यू हैव टू प्लेस सम शेप सो फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे स्केयर को ड्रॉ करते हैं और इसको यहाँ पर मूव कर लेते हैं सो so, एक एंकर पॉइंट हम ऐड करेंगे बिल्कुल यहाँ पे ठीक है सो ये हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है ठीक है जी अब दोबारा से अपनी शेप की सिलेक्शन करते हैं और देखते हैं कि इसके मज़ीद एंकर पॉइंट्स हम कहाँ पे ऐड करें सो so, हमें एक स्टार शेप मिलेगी तो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसके एंकर पॉइंट्स को मूव करते हैं ठीक है जी सो so, ये जो उसका ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट पहले इनको मूव करते हैं सो so, मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूँ तो ये मल्टीपल स्पेसेस मूव करेगा इस पर क्लिक करूँ तो ये मल्टीपल स्पेसेस मूव करेगा ठीक है इसके बाद हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं और शिफ्ट को प्रेस करो इसको मूव करते हैं ठीक है जी यहाँ से इस पॉइंट को मूव करते हैं यहाँ से इस पॉइंट को मूव करते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को मूव करते हैं ठीक है अगर मज़ीद आप अपनी शेप को रिफ़ाइन करना चाहते हैं दोनों पॉइंट्स की सिलेक्शन करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं लेट्स मूव इट थोड़ा सा बाहर मूव करते हैं इसको इसको भी थोड़ा सा बाहर मूव करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करते हैं ठीक है और इसको थोड़ा सा बाहर मूव करते हैं सो so, ये हमने एक स्टार शेप क्रिएट कर ली अगर आप मज़ीद इसको रिफ़ाइन करना चाहते हैं यू कैन फर्दर रिफ़ाइन दिस शेप तो बिल्कुल ऐसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कुछ एंकर पॉइंट्स को ऐड करके इसके बाद हम लोग अगर इसमें से एंकर पॉइंट्स रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसकी सिलेक्शन करें तो आप चाहते हैं कि ये वाला जो एंकर पॉइंट है मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ सो so, इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की इसके बाद मैं इस पर क्लिक एंड होल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिलीट एंकर पॉइंट्स है मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और इस एंकर पॉइंट पे आके इसको डिलीट कर देता हूँ सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिलीट एंकर पॉइंट्स इसको दोबारा से हम स्केर में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है जी इसको माइनस किया ये ये वाला एंकर पॉइंट भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए और इसके बाद हम इसकी सिलेक्शन करके इनको वापस अपनी जगह पे मूव कर सकते हैं ठीक है जी सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड एंकर पॉइंट्स एंड दिस इज़ हाउ यू कैन रिमूव द एंकर पॉइंट्स और अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप एंकर पॉइंट्स को मूव भी कर सकते हैं अपनी कीबोर्ड की मदद से या अपने माउस की मदद से so different experiments current different shapes and let's see what are the results see you in the next lesson thank you so much